हेलो स्टूडेंट्स, कल हम आप लोगों को लिविंग थिंग्स बताए थे, आज हम आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स बताएंगे। क्या बताएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स भी कल मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं। क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है? सजीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है? सजीव वस्तुएं। तो कल हम आप लोगों को लिविंग थिंग्स पढ़ाए थे, आज हम आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अब पढ़िए आप लोग। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? क्या है? व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स मतलब पूछ रहा है निर्जीव वस्तुएं क्या है। लास्ट में मैंने क्या दिया? क्वेश्चन मार्क्स। अब इसका आंसर हम लोग जानेंगे। थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव कहलाती है। समझे? थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव कहलाती है। मतलब व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? आंसर, थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव कहलाती है। समझे? जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मीन्स आपका होता है उदाहरण। ठीक है, जैसे टेबल मीन्स क्या होता है? मेज। चेयर, चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी। बुक, बुक मीन्स किताब। सोफा, सोफा मीन्स सोफा। फैन, फैन मीन्स पंखा। डॉल, डॉल मीन्स गुड़िया। व्हीकल्स, व्हीकल मीन्स वाहन। पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल। समझे? जैसे ये सब जो है वस्तु का नाम, ये सब हमारा सांस नहीं लेती है। समझे? नहीं लेता है सांस, बिल्कुल नहीं लोग लेता है। जैसे टेबल, क्या हम लोग टेबल को एक जगह से दूसरे जगह टेबल जा सकता है? नहीं, क्योंकि टेबल निर्जीव है। क्या है? निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स है। समझे? क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे टेबल को हम लोग खुद एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं जा सकता है। नहीं ना जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे चेयर, क्या चेयर खुद से कहीं जा सकता है? नहीं, क्योंकि चेयर भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। बुक, बुक मीन्स किताब। क्या हम किताब, बुक को अगर बैग में रख देते हैं तो क्या वो बैग से बुक अपने आप निकल जाती है? नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। तो बुक भी क्या है? क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। इसी तरह सोफा, सोफा, सोफा आप लोग देखे हैं? नहीं, गद्देदार जैसा सोफा होता है, सोफा, सोफा आप अगर लगा देंगे तो क्या उस वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए भी किसी इंसान का जरूरत पड़ेगा, तभी वो सोफा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जैसे सोफा भी हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। फैन, फैन अगर, फैन तो सबके घर में होगा, तो फैन आप लोग देखे होंगे, तो क्या फैन हम लोग ऊपर जो चलता है, फैन बेड के ऊपर जो दीवार में ऊपर लगा हुआ रहता है, सीलिंग फैन उसको बोला जाता है, क्या वो फैन पंखा हम लोग उसको हटा सकते हैं? क्या वो पंखा एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है? नहीं, उस पंखा को खुद हम लोग का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बोला तो फैन क्या है? नॉन लिविंग थिंग। डॉल, गुड़िया,
गुड़िया भी वही है। नॉन लिविंग थिंग्स व्हीकल्स, वाहन सवारी, जैसे वो व्हीकल्स मत समझिएगा, व्हीकल्स मीन्स वाहन या सवारी, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल से पेंसिल बॉक्स में हम लोग पेंसिल को रखते हैं, तो क्या पेंसिल खुद ब खुद कॉपी पे लिखना शुरू कर देती है? नहीं, उसको हम लोग पेंसिल बॉक्स से बाहर निकालते हैं और तब लिखना शुरू करते हैं। तो पेंसिल भी हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर इसको हम लोग रिपीट करते हैं, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुएं क्या है? निर्जीव है ना, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? निर्जीव। अब यहां देखिए आंसर, थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव कहलाती है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, समझ गए। और एग्जाम्पल, टेबल मीन्स मेज, चेयर मीन्स कुर्सी, बुक मीन्स किताब, सोफा मीन्स सोफा, फैन मीन्स पंखा, डॉल मीन्स गुड़िया, व्हीकल्स मीन्स वाहन, पेंसिल मीन्स पेंसिल, समझ में आई। फिर से इसको रिपीट करेंगे, और लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता? लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तु, सॉरी लिविंग थिंग्स मीन्स क्या था? सजीव वस्तु। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या था? सजीव वस्तु। उसमें क्या था कि जो वे वस्तु जिनमें जीवन पाया जाता है ना, वे वस्तु जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे आप लोगों को बताए थे ना, ह्यूमन बींग्स, ट्री, प्लांट, ये सब हमारा क्या है? क्या है? लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग खुद से सांस ले सकते हैं, है ना, हम लोग किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, है ना, तो ये सब हमारा लिविंग थिंग्स में आएगा। जो लाइफ मतलब जीवन को जो जीता हो, जैसे एनिमल, एनिमल जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान खुद से जाता है ना, तो यही हो गया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, समझे। नॉन लिविंग थिंग्स तो आप लोग समझ गए होंगे, लिविंग थिंग्स भी समझ गए होंगे, तो आप लोगों का होमवर्क में यही रहेगा, कल मैंने लिविंग थिंग्स पढ़ाया, आज हम आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाए। इसी तरह जैसे मैंने क्लीन लिखे हैं, उसी तरह से आपको भी क्लीन कॉपी पे बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आपका यही होमवर्क रहा, इसको रिमेम्बर करके लाइएगा, और लिविंग इसको नॉन लिविंग थिंग्स को रिमेम्बर करके लाइएगा, इसका क्वेश्चन आंसर इसका हिंदी के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में टोटल लिखिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके बाय।